आज होने वाली है डियो कैंपिंग, क्योंकि रास्ते से मुझे अंकुर मिलेगा। गाड़ी पूरी हिल यार। अपनी पुरानी स्नो कैंपिंग वाली वीडियो थी वो आ नहीं पाई, क्योंकि जो मेमोरी कार्ड था। अंकुर भाई थोड़ा कम बोलते हैं ना, क्योंकि वैसे कैमरे के पीछे बहुत बोलते हैं भाई, लेकिन ऐसे शर्माते हैं कि यार मैं क्या बोलूंगा। लो भाई रोटी अपनी रेडी है। बाकी अब सोया चाप डाल देते हैं इनमें। सो ही गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज मैं वीडियो अपने घर से शुरू कर रहा हूँ, और ये जस्ट पीछे अपने मैं घर से बाहर आ चुका हूँ। और ये रही अपनी प्यारी सी नैनो, और ये रही स्विफ्ट। आप लोग पूछते हो स्विफ्ट कहाँ है, बाकी और गाड़ियाँ अपनी गैराज में है। पिछली कैंपिंग में देखो आप कितनी गंदी हो गई थी, अभी तक मैंने साफ़ नहीं करवाई, अभी बहुत ज़्यादा मिट्टी है। बाकी सामान रखते हैं, कुछ सामान तो इसमें ऑलरेडी रख दिया है, बाकी कुछ सामान और रख लेते हैं। तो एक बैग और रख लेते हैं, ये स्लीपिंग बैग यहाँ पे भी है, एक नीचे रखा हुआ है। और जो ये आप देख रहे हो ये प्लास्टिक वाला कट्टा, इस पे है लकड़ियाँ, और पानी हम रास्ते से भर लेंगे, बाकी कुछ खाने पीने का सामान है। तो ये आ गए हम अपनी नैनो में, और आज होने वाली है डियो कैंपिंग, क्योंकि रास्ते से मुझे अंकुर मिलेगा, और मैंने उसे फ़ोन करना है। एक बार उसे कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे होगा वो, तो एक बार पूछ लेता हूँ अंकुर को कॉल करके कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। भाई अंकुर से बात हो गई है, और अंकुर पहुँच जाएगा अपनी लोकेशन पे, क्योंकि उसके घर से वो ज़्यादा दूर है नहीं लोकेशन, लेकिन मेरे यहाँ से 18 या 20 किलोमीटर है, और अंकुर के घर से 4 या 5 किलोमीटर है। तो रास्ते से अंकुर को भी उठा ले जाएंगे अपने साथ। बाकी अब गाड़ी करते स्टार्ट, और इसमें पेट्रोल भी कम है यार, कम क्या है, थोड़ा बहुत डाल देंगे इसमें, बाकी स्टार्ट करते और चलते हैं। अब डेस्टिनेशन की तरफ चल देते हैं, और आपको रास्ते के नज़ारे भी दिखाएंगे थोड़ा सा। आज थोड़ा सा मैं अपने घर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं डायरेक्ट फॉरेस्ट में पहुँच जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा नया है। और अब निकलते हैं सीधा। भी आ गया है, अलग ही लाइट जलती है यार इसमें है? इसमें अलग ही लाइट जलती है, ये लगा रखी है यार। अच्छा चले फिर गाड़ी यहीं लगा दो कहीं पे। रास्ता बहुत खतरनाक है ना यहाँ को, 2 किलोमीटर अंदर है ना वैसे। भाई ये है हमारी फाइनली डेस्टिनेशन, और यहीं पे ये ख़त्म होता है, यहीं पे लगाते हैं गाड़ी अपनी। तो भाई फाइनली हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं, और मैं और अंकुर हैं यहाँ पे। भाई आते आते अंधेरा हो गया, और तो अब फटाफट से अंकुर पहले टेंट पिच करते हैं ना। टेंट पिच करते हैं पहले। और बाकी भाई ना यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि रात को बारिश होने के चांसेस है, तो रेन कवर भी डाल ही लेते हैं, और ठंडा भी है तो ओस भी अंदर नहीं आएगी।
पीछे रख लिया मैंने। तो अपने स्लीपिंग बैग भी आ गए यहाँ पे साथ के साथ। ये कि यहाँ पे लकड़ियाँ मिलनी मुश्किल थी और कुछ टाइम पहले ही बारिश हुई थी और दिक्कत भी थी, आपको पता है, अंधेरा भी। हमें पता था कि यहाँ पे आते ही हमें अंधेरा भी हो जाएगा, तो इसी वजह से मैं और अंकुर भाई ने वैसे घर से बोल दिया था कि लकड़ियाँ लेके आना, लकड़ियाँ रखी लेना भाई, और मैंने लकड़ियाँ रखी ली थी। तो भाई जो अपनी पुरानी स्नो कैंपिंग वाली वीडियो थी वो आ नहीं पाई क्योंकि जो मेमोरी कार्ड था वो ख़राब हो गया था और काफ़ी सारी क्लिप्स उसी में थी, तो इस वजह से वो वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन हम होप करते हैं कि दोबारा जाएंगे। क्यों अंकुर? हाँ, अब दूसरी जगह कहाँ, दूसरी जगह कहाँ सोची मैंने, अंकुर पे छोड़ा था भाई, अंकुर जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएंगे स्नो कैंपिंग। तो भाई पता नहीं इस बार अंकुर भाई हमें कहाँ ले जाते हैं। कश्मीर चलते हैं। अंकुर भाई कह रहे भाई कश्मीर चलते हैं सीधे, न हिमाचल। मैं तो हिमाचल के लिए सोच रहा था, हिमाचल चलते हैं। अंकुर भाई बोल रहे कश्मीर चलते हैं। बाकी अब टाइम आ गया है कॉफ़ी वगैरह बनाने का, तो जो ये लकड़ियाँ हैं ना इन्हें भी फाड़ लेते हैं। भाई लकड़ियाँ बहुत टाइट हो रही है, मोटी बहुत है ना, है मोटी बहुत है, तो इन्हें काटना पड़ेगा ना। ऐसे तो काम बन नहीं रहा है, अब आरी से काम बनाएंगे भाई, आरी से काट देते हैं इन्हें। कॉफी बनाएंगे फिर, वही सही है भाई, पानी गरम करो और घोलो और पी लो। बाकी आज डिश में क्या होने वाला है भाई अंकुर भाई को पता ही नहीं है क्योंकि ये सरप्राइज रहता है, और मतलब ये हमेशा सरप्राइज रहता है। हाँ, मेरे को नहीं पता कभी, मतलब ऐसा तो लगता होगा ना तुम्हें कभी कि भाई आज नॉनवेज बना रहे या वेज बना रहे, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। भाई कह रहा जो बना दिया भाई ने वही खाना है, वही खाना है। बाकी अंकुर भाई थोड़ा कम बोलते हैं ना क्योंकि वैसे कैमरे के पीछे बहुत बोलते हैं भाई, लेकिन ऐसे शर्माते हैं कि यार मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मतलब थोड़ा सा फेस करना इनको रहता है, लेकिन फिर भी यार हो जाएगी आदत हो जाएगी। आप लोग कमेंट पे कुछ ऐसी बात करो ना भाई कि भाई अगली बार से बहुत बहुत बोले भाई मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पे एक दिक्कत होगी, हमारे पास सिर्फ एक ही कप है और दूसरा कप गलती से भूल गए भाई, मैं ही भूल गया, बाकी भूलता मैं ज़्यादा ही हूँ, आपको पता ही है, कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ। बाकी ये बोतल था एक अपने पास गाड़ी में पानी का, तो इसी से ही बना लिया है। ये चाय वगैरह पीना चाहिए प्लास्टिक पे, लेकिन अभी क्या ही कर सकते, अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो इसी में पियेंगे अभी। मजबूरी हो गई। तो इंस्टेंट कॉफ़ी चाय भी ना, मतलब क्या बोलते हैं, पानी भी गरम हो गया अच्छी तरह, पानी भी गरम हो गया भाई, बहुत गरम है भाई, बहुत ज्यादा। अपनी कुकीज भी आ गई है भाई, क्या मस्त लग रही है यार कुकीज, कोकोनट कुकीज बहुत ही मस्त लगती है, स्पेशली कॉफी के साथ। मजा आ गया, छोटी लकड़ियां लगाना पहले। तो भाई आज बारबेक्यू सेटअप भी लाए हैं हम अपने साथ, और इसमें अपनी रोटी भी बनेगी, बाकी साथ के साथ हम इसमें कुछ चीज़ें रोस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो भाई तब तक अपने वेजेस वगैरह है इनको भी धो लेते हैं, और जो प्याज वगैरह है इसे छील लेते हैं।
भाई। तो अपने जो यहाँ पे सोया चाप है ना, चार पीस है, तो इनको बॉईल कर लेते हैं। और ये रहा बॉईल पानी, इसमें ही हमने कॉफ़ी भी बनाई थी। बाकी फाइनली इसे ढक्कन लगा देते हैं यहाँ पे भाई, और अपनी चॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि फिर अपने पास टाइम भी नहीं है। तो भाई जब तक मैं चॉपिंग करूँगा ना, तब तक अपने अंकुर भाई आटा लगा लेंगे। तो आटा डाल देते हैं इसमें। तो यहाँ पे अपना आटा लग चुका है, पेड़े भी बन गए हैं रोटी के लिए, और वेजेस भी कट चुकी है। बाकी जो अपना यहाँ पे जो सोया था ना, सोया चाप, वो अपना यहाँ पे बॉईल हो गया है। और बाकी अंकुर भाई जो पानी है ना, बॉईल पानी, उसे निकाल रहे हैं। इसको ऑन करके कोयले जला लो सारे। तो भाई अपना यहाँ पे बारबेक्यू का जो सेटअप है वो भी तैयार हो गया है, अपने कोयले भी जल चुके हैं। बाकी कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ भी थोड़ा सा कम है, और इनको अभी हम थोड़ा सा रात में जलाएंगे। बाकी पहले रोटी बना लेते हैं साथ के साथ, है ना। और अपना बारबेक्यू पे जो अपने चाप है ना, वो भी रख लेंगे, और उसी आँच में अपनी रोटियाँ भी सिक जाएगी। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, क्योंकि आटा गीला हो गया था ना, इस वजह से। तो अंकुर भाई, कितने बार आपने आटा लगाया पहले? कभी एक दो बार लगाया होगा बस। बस लो भाई, रोटी अपनी रेडी है, अब इसको फटाफट से चूल्हे में सेकते हैं। ओ भाई, थोड़ा सा चिपक गई, एक साइड से तो पक गई होगी अपनी रोटी। वाह, तो एक साइड से पक गई है, एक साइड से और पका लेते हैं इसको। तो भाई ये अपने सोया चाप बॉईल हो गए थे, इनको रख लेते हैं किनारे पे। ये काट दिया भाई हमने अपना स्प्रिंग अनियन, और साथ के साथ धनिया भी काट लेते हैं इसमें। तो भाई इसमें डाल लेते अपना जीरा, साथ में प्याज, जो अपने स्प्रिंग अनियन है वो भी पड़ेंगे, और टमाटर भी डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं, जिससे सब्जियां ना थोड़ा सा जल्दी मेल्ट होती हैं। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला, खाना बनाते बनाते 11 बज गया भाई। डालते हैं गार्लिक पेस्ट भाई, प्याज टमाटर भी अपने कुछ कुछ गल गए हैं, कुछ कुछ है,
बाकी अब सोया चाप डाल देते हैं इनमें। तो भाई अपनी सब्जी भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो फटाफट से इसको सर्व करते हैं। भूख भी लगी गई है। भूख तो लगी गई है यार, टाइम आज देखो भाई 11:30 हो चुका है खाना बनाते बनाते। ये डाल दिया हमने धनिया, अब इसको सर्व करते हैं भाई, प्लेटिंग करते हैं फटाफट से। लो भाई, तो ये है अपने सोया चाप, आप देख सकते हो कितने अच्छे से पक चुके हैं। बाकी ये रही अपनी रोटियां, सारी रोटियां मतलब 5 रोटी 6 रोटी बनाई है हमने, देखो कितनी मुलायम रोटियां हैं, फटाफट से खाते हैं इन्हें, मज़ा आ गया ना, ज़बरदस्त, मुंह में पानी आ रहा है अब तो। मज़ा आ गया भाई, ज़बरदस्त टेस्ट हो रहा है और मसाले वगैरह ना एक्यूरेट हो रहा है। स्वाद तो एक नंबर हो रहा है, एक नंबर हो रहा ना। चाप भी सही पके हैं, बढ़िया पके हैं ना। इनको हमने पहले सही बॉईल कर दिया ना, इस वजह से। रोटियां तो अपनी खत्म हो गई है, बाकी अब जितनी सब्जी बची है ना वही खत्म करेंगे। मजा आ गया, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही है। तो भाई फाइनली यहाँ पे अपना खाना हो गया है और फटाफट से जितने बर्तन हैं इनको धो लेते हैं, क्योंकि ठीक है तो भाई इनको धो लेते हैं और इनको हटा लेते हैं यहाँ से। तो भाई दोनों आ चुके हैं अपने टेंट में और अब टाइम आ गया है सोने का। बाकी यार टाइम हो गया है 12:30 और भाई लेट हो गए हम दोनों। बाकी यहाँ पे खाना हमने बहुत लेट खाया, और उतना ज़्यादा लेट तो खाया नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन खाने में मज़ा आ गया यार अंकुर भाई ना, अल्टीमेट हुआ था। बाकी आप अपना अपना स्लीपिंग बैग निकालते हैं और घुसते हैं इसमें, और ठंडा है अभी तो, धीरे धीरे गर्मियाँ भी आने लग गई हैं, तो अभी जो ठंडा है ना भाई, जो ठंडा मौसम है उसके मज़े लेते हैं, बाकी इसके बाद तो गर्मियाँ ही आ जाएंगी। बाकी स्लीपिंग बैग भी हम डबल लेके आए हैं अपने साथ। ओके, तो गाइस खाना वाना अपना कंप्लीट हो चुका था, खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बाकी उसके बाद आज हमने टेंट थोड़ा सा ढलान में पिच कर दिया, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ढलान भी नहीं है यहाँ पे, हम एडजस्ट कर लेंगे। बाकी अब टाइम आ गया है सोने का, तो हम अब सोते हैं, अपने अपने स्लीपिंग बैग में तो घुस ही चुके हैं। तो बाकी आपसे मिलते हैं कल सुबह, तो सभी को गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हम उठ चुके हैं भाई, आज हम इतने लेट उठे हैं ना, क्योंकि भाई बहुत लेट, कल सोए भी लेट थे ना, एक तो लेट तो सोए थे और बाकी भाई नींद भी टूट रही थी बीच बीच में, क्योंकि रात को लैपट साउंड सुनने को मिला, भाई कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि भाई नींद प्यारी थी और बाकी कब हम कैमरा ओपन करते कब वो रिकॉर्ड करते, तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया। बाकी बीच बीच में आ रही थी, कभी पास से कभी दूर से, तो खैर वो चीज़ तो फिर थोड़ा सा आपको पता है, तो थोड़ा सा आंखें खुल जाती है, उसमें नींद नहीं आती। बाकी अभी यहाँ पे ज़बरदस्त वाली धूप आ गई है, अंकुर भाई दिखाओ यार कैसा हो रहा अपना मौसम बाहर का,
ओ भाई फाइनली अपना टेंट वगैरह पैक हो चुका है और सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। बाकी यहाँ पे जितना कूड़ा था हम अपने साथ ले जा रहे हैं। और कल रात का एक्सपीरियंस कैसा था अंकुर? बहुत बढ़िया, खाना तो मतलब मज़ा ही आ पड़ा खाने में। खाने में तो एक नंबर था, लेकिन रात को सोने में थोड़ा सा लेपर्ड साउंड हुआ इधर उधर से, पता नहीं शायद तो दूर ही था, लेकिन आवाज़ उसकी प्रॉपर आ रही थी भाई कानों पर ना, तो एकदम से मतलब आप समझ सकते हो नींद खुल रही थी बार बार। बाकी ठंडा इतना था नहीं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।